डिफेंडर से कंपेयर कर रहे हो? डिफेंडर से कंपेयर कर रहा हूँ, मैं डिफेंडर बुक करके आया वो। अच्छा हाँ, उसके बाद में अब ये देखी है, वो वापस दे देंगे एक महीने में दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये प्रोडक्ट अच्छा है। हाय, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। यार आज मैं आई हूँ जीप के शोरूम में, लैंडमार्क शोरूम में मैं आई हूँ, ये है हमारा गुड़गांव के अंदर। और आज मैं यहाँ पर देखने आई हूँ ग्रैंड चिरोकी को, बहुत ज़्यादा लव्ड कार है ये, सबसे महंगी जीप की SUV है ये इंडिया में। क्या क्या खासियत है इस कार के अंदर, क्या स्पेशलिटी है इस कार के अंदर कि लोग इतना ज़्यादा इसको पसंद करते हैं? आपको पता है वर्ल्ड वाइड अभी तक इस कार की 70 लाख यूनिट बिक चुकी हैं, तो भैया अब क्या रीजंस है कि इस कार को इतना ज़्यादा पसंद किया जाता है? तो आइए चलते हैं लैंडमार्क जीप में और एक्सप्लोर करते हैं इस अमेजिंग कार को। आइए, ये हमारी जीप ग्रैंड चिरोकी, बहुत अमेजिंग कार है सीरियसली। अभी जो मैं इसको देख पा रही हूँ ना फेस टू फेस, मुझे नहीं पता कैमरा कितना जस्टिफाई कर पा रहा है, लेकिन सीरियसली बहुत अमेजिंग व्हीकल है, बहुत ऑसम लुक है इस कार के। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं इस कार का वॉक अराउंड फटाफट से। डिज़ाइनिंग की अगर आप बात करेंगे तो देखिए, मैंने आपको एंटर करते ही बताया था कि क्लास बहुत सुपर स्टाइलिश डिज़ाइन के साथ है। ये हमारी 2022 की 5th जनरेशन है। ये गाड़ी 1993 में लॉन्च हुई थी और तब से इंडिया में इसको बहुत पसंद किया जाता है और वर्ल्ड वाइड तो आप बात ही मत कीजिए। आपको मैंने अभी बताया कि 70 लाख यूनिट अभी तक इस गाड़ी की बिक चुकी हैं। फ्रंट प्रोफाइल में आपको यहाँ पर इसका सिग्नेचर 7-स्लेट ग्रिल स्ट्रक्चर मिलता है, जो बहुत स्मार्ट लगता है। सेंटर में यहाँ पर इसका कैमरा प्लेस किया गया है, नीचे की साइड में भी आपको ग्रिल दिया गया है। और जो ये आपका नीचे का पार्ट है, यहाँ पर आपके पास पार्किंग सेंसर्स आपको मिलते हैं। फ्रंट में हमारे पास 4 पार्किंग सेंसर हैं, नीचे की साइड में हमें क्रोम का यूज़ दिखाई देता है। ब्लैक पियानो फिनिश भी आपको जगह जगह यहाँ पर दिखाई देगा, तो ब्लैक पियानो फिनिश अलॉन्ग विद दिस क्रोम जो कहीं कहीं सेगमेंट में आपका यूज़ किया गया, जैसे आपका ग्रिल पर यूज़ कर दिया, इन्होंने स्किड प्लेट पर यूज़ कर दिया, इन टोटल इसके लुक को काफ़ी इन्हांस करता है, काफ़ी सोफिस्टिकेटेड के साथ साथ काफ़ी अग्रेशन प्रोवाइड करती है ग्रैंड चिरोकी। यहाँ पर आपको LED हेडलैम्प्स मिलते हैं अलॉन्ग विद LED DRL जो कार को बहुत अच्छा लुक दे रहे हैं। यहाँ पर ना कार की अगर डिज़ाइनिंग की हम लोग बात करें, देखिए ग्रिल ना इनकी हर कार के अंदर आपको सेम मिलती है, चाहे आप इनकी कंपास देख लीजिए, मेरिडियन देख लीजिए, चाहे चिरोकी की हम लोग बात करें। जो मेन थोड़ा सा फ़र्क ये लोग करते हैं वो आपको इनफैक्ट लाइट्स के अंदर भी नहीं दिखाई देगा, वो भी ज़्यादातर कार्स का सेम सा ही आपको पैटर्न लगता है, लेकिन तब भी जीप अपने आप को काफ़ी डिस्टिंग्विश करती है बाकी कार्स के कंपैरेटिवली। साइड प्रोफाइल की अगर आप बात करेंगे तो अगेन, जैसे आपका फ्रंट प्रोफाइल बहुत अग्रेसिव है, ऐसे ही आपका साइड प्रोफाइल भी आपको बहुत मस्कुलर लगेगा। कार की लेंथ की अगर हम लोग बात करेंगे तो इट इज़ अराउंड 4.9। हाइट की अगर आप बात करेंगे 1.8 है। ग्राउंड क्लियरेंस आपकी 215 mm की यहाँ पर मिल जाती है, तो इन डायमेंशंस के हिसाब से बहुत मस्कुलर सा व्हीकल है, बहुत बिग साइज़ व्हीकल है ये। टायर्स की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर 20-inch अलॉय व्हील्स का यूज़ किया गया है, और आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपका फ्रंट में डिस्क ब्रेक है और आपके रियर में भी यहाँ पे डिस्क ब्रेक का यूज़ किया गया है। फ्रंट एंड रियर में आपके इंडिपेंडेंट सस्पेंशन का यूज़ किया गया है, ताकि जब आप किसी राइड पर हो तो वहाँ पर आपको सस्पेंशन की वजह से कोई डिस्कम्फर्ट फील ना हो, कार में फुल ऑन कम्फर्टेबली आप ड्राइव कर सकें, अपनी राइड को इंजॉय कर सकें। यहाँ पर आपको बिग साइज़ ORVM दिया गया है, ये आपकी LED स्ट्रिप है जो आपका टर्न इंडिकेटर का काम करती है। क्रोम सेगमेंट यहाँ पर डिज़ाइनिंग के लिए ऐड किया गया है, और नीचे के साइड में आपको कैमरा दिया गया है। ये कार हमारी 360 डिग्री पार्किंग कवरेज के साथ आती है, जो इसकी सेफ्टी में एक और पॉइंट को ऐड करता है। ग्रैंड चिरोकी यहाँ पे मेंशन किया गया है। बॉडी कलर डोर हैंडल आपको मिल जाते हैं, यहाँ पे मैनुअल की का कंट्रोल भी आपको मिल जाता है। और पीछे की तरफ आइए, इसका फ्यूल टैंक आपको पैसेंजर साइड पे दिया गया है, और उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी इज़ अराउंड 83 लीटर्स का आपको यहाँ पे फ्यूल टैंक मिलता है। ये कार हमारी सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल में आती है, ये आपको डीजल में नहीं मिलेगी, और इंडिया के अंदर इसका सिर्फ एक ही वेरिएंट अवेलेबल है जो आपको कार इस टाइम हम लोग दिखा रहे हैं। बैक प्रोफाइल अगेन मैं आपको बोलूँगी, हर साइड से कार बहुत स्मार्ट लग रही है। बैक भी कार का बहुत स्टाइलिश है, जिसके अंदर एक स्टाइल स्टेटमेंट ऐड कर रहे हैं इसके LED टेल लैंप्स, जो बहुत स्लीक और डिज़ाइनर आपको लुक देते हैं।
फ्रंट में भी लाइट्स बहुत स्मार्ट स्ट्रक्चर के साथ यूज़ की गई है। बैक का डिज़ाइन भी आपको बहुत पसंद आने वाला है। ये हमारा लिमिटेड एडिशन है जो इंडिया में अवेलेबल है। आपके पास सिर्फ यही एडिशन अवेलेबल है, इसमें और कोई आपके पास चॉइस नहीं है। ग्लोबल मार्केट में इसका एक और बहुत इंटरेस्टिंग वेरिएंट आता है, वो है आपका 3.6 लीटर V8 इंजन के साथ। तो इमेजिन कीजिए 3.6 लीटर का इंजन है, 8 सिलेंडर के साथ है, तो कितना पावरफुल है। बट पता नहीं इंडिया में उसको क्यों नहीं लाते, या तो कॉस्टिंग रीज़न है या फिर पता नहीं, बट ट्राई करना चाहिए एक बार तो लेके आओ यार, क्या पता लोग खरीद ही लें। अच्छी कार है वो। आई थिंक हम किसी कंट्री में जब एक घूमने के लिए गए थे, यूके या यूएस मुझे ध्यान नहीं है, लंदन शायद, पता नहीं मुझे, कहीं हम लोग थे, वहाँ पर मैंने ग्रैंड चेरोकी को ड्राइव करके देखा था और वो 3.6 लीटर इंजन के साथ थी। क्या भागती है यार ये, वहाँ पर आपको पता चलता है कि ये लग्जरी प्लस एडवेंचर का डेडली कॉम्बिनेशन है, मतलब नेक्स्ट लेवल है। यहाँ जो इंजन यूज़ किया गया दैट इज़ 2 लीटर 4 सिलेंडर, तो 3.6 को 2 लीटर से अगर हम कंपेयर करेंगे तो उतनी पावर हमें ऑब्वियसली नहीं मिलने वाली, वो पुश आपको नहीं मिलेगा, वो पंच आप लैक करेंगे। बट इंडिया में हमारे पास यही अवेलेबल है, और यहाँ के हिसाब से, यहाँ की रोड कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि इतना भगाओगे कहाँ पर, उसके लिए आई थिंक ये सफिशेंट है। सबसे ऊपर हमारे पास शार्क फिन एंटीना दिया गया है, ये है आपकी बैक लाइट। यहाँ पर आपको रिवर्स कैमरा दिया गया है, ये आपका डिफॉगर है, दिस इज योर वाइपर। जीप यहाँ पर मेंशन किया गया है, दिस इज ऑल व्हील ड्राइव 4x4 व्हीकल, ये आपको यहाँ पे मिल जाता है लिखा हुआ। रिवर्स में भी आपके पास पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं, अगेन बहुत स्मार्ट यूज आपको क्रोम का दिखाई देगा। चलिए आप चलते हैं कार के बूट में। ये आपको पावर्ड टेल गेट मिलता है इस कार में, 1068 लीटर का बूट स्पेस ऑफर करती है आपकी ग्रैंड चेरोकी, बहुत ज़्यादा स्पेस है आपके पास। नीचे के साइड में आपका स्पेयर व्हील प्लेस किया गया है, जिसका प्रोफाइल है 245/65R18, ये आपका नॉर्मल टायर के साइज से छोटा है, एंड इट इज़ विदाउट एलॉय व्हील्स। इसको आप टेम्परेली यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर इसकी मैक्सिमम स्पीड लिमिट मेंशन की गई है। बाकी जो आपका टूल किट वगैरह है वो सब साइड्स में प्लेस किया गया है, जैक वगैरह भी सब इसी यूनिट के अंदर रखे गए हैं। यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दिया गया है। यहाँ पर ये इस कार में सब वूफर प्लेस किया गया है। इस कार के अंदर आपका एल्पाइन का म्यूजिक सिस्टम यूज़ किया गया है, अलॉन्ग विद 9 स्पीकर, और जो ये सब वूफर आपको मैंने दिखाया बूट में वो इसके साथ। और बूट डोर को क्लोज करने के लिए आपको यहाँ पर कोई कंट्रोल नहीं मिलेगा, आपको कंट्रोल मिलेगा यहाँ, आप इसको करेंगे प्रेस और ये आपका क्लोज हो जाएगा लाइक दिस। कार के अंदर एंटर करने से पहले इसका डोर देखिए आप। यहाँ पर हमारे पास मैनुअल सन ब्लाइंड दिया गया है। नीचे के साइड में आपको सिल्वर डोर हैंडल मिलता है, वुडन फिनिश का यहाँ पर यूज़ किया गया है जो काफ़ी प्रीमियम लुक दे रहा है कार को। सिल्वर स्ट्रिप यहाँ पर दिया गया है, ये आपका सॉफ्ट टच दिया गया है। यहाँ पर आपके पास लेदर है और नीचे के साइड में हमारा प्लास्टिक है, एंड एवरीथिंग इज़ ऑफ वेरी प्रीमियम क्वालिटी। ये आपके पास बॉटल होल्डर की जगह है। ऊपर के साइड में हमारे पास पावर विंडो कंट्रोल दिए गए हैं, लॉक एंड अनलॉक कंट्रोल दिया गया है। ये हमारा स्पीकर है, दिस इज़ आर ट्विटर। कार के अंदर जब आप एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा है नो स्टेप, मींस ये आपका स्टेप पैडल नहीं है, ये आपका क्लैडिंग का ही पार्ट है। अगर आप यहाँ पे लगवाना चाहते हैं स्टेप पैडल को तो आप लगवा सकते हैं, बट कार की हाइट के अकॉर्डिंग अगर मैं बैठ के देखूँ इसमें तो आई थिंक इतना रिक्वायरमेंट आपको होगा नहीं, यू कैन ईजिली स्टेप इन साइड द कार। चलिए अब करते हैं कंफर्ट की बात, जो मुझे कार में बैठते ही सबसे ज़्यादा फील हुआ है। बहुत कंफर्टेबल गाड़ी लग रही है ये, बहुत सारा आपके पास नी रूम है, यू हैव इनफ ऑफ हेड रूम। लेदर अपॉल्स्ट्री का यूज़ किया गया है जो प्रीमियम है, आपको बैठते ही उसका फील होता है, लिटरली फील होता है। ओके आगे की साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास मैगजीन होल्डर आपको दिया गया है। यहाँ आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं, यहाँ पर छोटा सा स्टोरेज दिया गया है, आप कुछ भी अपना सामान रख सकते हैं छोटा मोटा। नीचे के साइड में आपके पास 2 Type-C एंड 2 USB पोर्ट दिए गए हैं। यहाँ पर आपको 150 वॉट्स का प्लग भी मिल जाता है, और यहाँ पर आपको सीट वेंटिलेशन कंट्रोल मिल जाते हैं। हैंडरेस्ट की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ब्रॉड हैंडरेस्ट दिया गया है, ताकि आप बहुत आराम से अपने ट्रिप को इंजॉय कर सकें। सेंटर में आपके पास ट्विन कप होल्डर है, और अगर आप 5 जने ट्रैवल कर रहे हैं तो आप करेंगे इसे बंद और आप आ जाएंगे कार के सेंटर में। तो देखिए जब भी किसी भी कार के अंदर आपका हैंडरेस्ट होता है, जिसके अंदर आपको कप होल्डर दिया हुआ है या कोई भी चीज़ आपको दी गई है, तो ऑब्वियसली वो आपका बैक से टाइट होता है, बहुत हार्ड होता है। तो आप छोटे अगर ट्रिप पे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, अगर आप लॉन्ग ट्रिप पे हैं
तो यहाँ पर बैठने में आपको दिक्कत होने वाली है। चार जने बहुत आराम से कंफर्टेबली अपने ट्रिप को एंजॉय करेंगे। बैक साइड से आपको जो कार का फील आता है दैट इज़ वेरी प्रीमियम। कार का डैशबोर्ड लेआउट आपको बहुत अट्रैक्शन प्रोवाइड करेगा। ऊपर के साइड में आपको सनरूफ दिया गया है, तो अगर आप शॉफर को प्रेफर करते हैं और शॉफर आपकी कार को चलाने वाला है तो आप बहुत अमेजिंग व्यू एंजॉय करेंगे कार के इंटीरियर का भी।